समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जहां एक तरफ पूरा फोकस लोकसभा चुनावों पर है, साथ ही साथ पार्टी के अंदर हो रही खेमेबाजी को भी उन्हें खत्म करना है, तो वहीं दूसरी तरफ अब अवैध खनन के आरोपों के तहत पूछताछ की तलवार उन पर लटक रही है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव से भी इस मामले में बहुत जल्द सीबीआई पूछताछ कर सकती है, क्योंकि ये मामला उनके ही शासनकाल का है। आईएसबी चंद्रकला के अलावा सपा नेता और तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति का भी नाम सामने आ रहा है। साल 2012 से साल 2013 तक अखिलेश यादव के पास खनन मंत्री का चार्ज था, इसलिए इस घोटाले का सच जानने के लिए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी पूछताछ हो सकती है। साल 2012 से साल 2013 के बीच अखिलेश यादव ने खनन विभाग अपने पास रखने के बाद गायत्री प्रसाद प्रजापति को खनन मंत्री का जिम्मा सौंपा था। अखिलेश के अलावा सपा के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को भी सीबीआई की तरफ से खनन मामले में तलब किए जाने की संभावना है। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।